रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 5 अगस्त को वह घड़ी, वह समय शीघ्र आने वाला है, जिस घड़ी की प्रतीक्षा, जिस समय की प्रतीक्षा हम सभी पूरे विश्व के राम भक्त हजारों वर्षों से नहीं बल्कि सदियों से कर रहे थे। अपने जीवन काल में हम सभी लोगों ने बहुत संघर्ष किया है उस शुभ समय के लिए, शुभ घड़ी के लिए। लगभग 500 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा हमारे समस्त भक्त समाज, पूरे विश्व के सभी श्री वैष्णव समाज कर रहे थे, अब वह शुभ घड़ी आ चुकी है। 5 अगस्त को हमारे इस भारत देश में एक ऐसे अविस्मरणीय, एक ऐसे अनोखे राम राज्य की संकल्पना पूर्ण होने जा रही है, जिसकी परिकल्पना बड़े बड़े संत महापुरुषों ने किया था। अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम जी के मंगलमय दिव्य एवं भव्य मंदिर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन होने जा रहा है। इस अनोखे शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते हुए उस समय के उपलक्ष्य में सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी का समय चल रहा है, हम सभी संतों के मन में, सभी भक्तों के मन में एक ही अभिलाषा होती है कि हम भी राम मंदिर के इस भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित हों। लेकिन हम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलना अभी बहुत मुश्किल है, हम लोग अभी जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर या जो अपने आसपास जो मंदिर हैं वहां पर स्वयं जाकर अपने हाथों से ठीक वैसा ही श्रृंगार करें, वैसा ही दीपक जलाएं, जिस तरह से हम सभी लोग दीपावली में सुंदर अपने घर को सजाते हैं, सुंदर पर्व मनाते हैं। तो मैं आप सभी देशवासियों से यही विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने घरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाएं। बस यही अभिलाषा करते हुए कि आज हम सभी लोगों को अब वह शुभ घड़ी, शुभ मंगलमय मुहूर्त शीघ्र प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रतीक्षा किया है। तो ऐसे शुभ घड़ी की बेला में हम सभी लोग उपस्थित हों और अपने इस मानव जीवन को सौभाग्यशाली बनाएं, अपने आप को गौरवान्वित करें उस 5 अगस्त की तारीख को याद करते हुए। और ये 5 अगस्त का जो तारीख है, ये एक नई क्रांति का तारीख है, हर घर में एक अलौकिक राम राज्य की कल्पना का तारीख है। और वास्तव में 5 तारीख का जो सूर्य उदय होगा अयोध्या धाम में, वो एक विशेष होगा, अलौकिक होगा, क्योंकि 5 तारीख को जो सूर्य उदय होगा वो वास्तव में ऐसा सूर्य होगा प्यारे, कि सूर्य वंश के सूर्य भगवान राम जी के मंगल में दिव्य और भव्य मंदिर को अयोध्या धाम में साक्षात भूमि पूजन करने के लिए तैयार होगा। अभी तो भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन जैसे राम मंदिर बन जाएगा तो हम सभी राम भक्त अयोध्या धाम अवश्य चलेंगे और भगवान के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करेंगे, अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानेंगे। और इसी शुभकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी लोगों का जीवन भगवान राम के चरणों में हमेशा बना रहे और हम सभी लोग भगवान राम की भक्ति, भगवान राम के जैसा आदर्श पिता पुत्र राजा जो जिस जगह हैं, अपने आप को ऐसा अनुभव करते हुए भगवान राम के हर एक आदर्श को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और पुनः मैं आप सभी को एक बार भगवान राम के मंगलमय धाम में लिए चलता हूँ। आइए हम सभी लोग चलें। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष न सावनी, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैसूल, सो कृपाल मोहितो पर रहूं सदा अनुकूल। जय सिया राम।